आज भूमि अधिग्रहण जो भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर के आई उसके खिलाफ किसान सत्याग्रह में यहाँ पर मौजूद हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ मंचासी नेतागण आदरणीय अहमद पटेल जी, सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, सांसदगण, विधायकगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और मंच पर बैठे सभी नेता और सामने बैठे और खड़े मेरे यहाँ पर साथी हजारों की संख्या में पहुँचे किसान मजदूर नौजवान यहाँ पर 36 बिरादरी के सभी साथी और मीडिया के साथीगण, आज भाई जैसे राजा जी ने कही कि आज पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से और खास तौर से उत्तर भारत के हमारे यहाँ पर नौजवान साथी आए हैं, युवा कांग्रेस के साथी आए हैं राजा जी के आह्वान पर और राहुल जी के आने वाले समय में उनको मजबूती देने के लिए, सोनिया जी को मजबूती देने के लिए, और जो पिछले हमारे 10 साल में यूपीए की सरकार ने जिस तरीके से सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में मजदूरों के लिए, किसानों के लिए जो मजबूत फैसले किए, आज उसको उल्टा करने का काम जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट लगी हुई है कि किसान को किस तरीके से कमजोर किया जाए, मजदूर के ऊपर किस तरीके से प्रहार हो, आज पूरा देश उसके लिए खड़ा हुआ है। और मैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत नेतागण बैठे हैं, मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो पूरा एक आज हरियाणा से लेकर के पूरे देश के कोने कोने में किसान सड़कों में बैठा है, आज एक साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं हुआ। ये ऐसा समय लगता है जैसे सरकार भारतीय जनता पार्टी की देश से भी जाने वाली है और प्रदेश से भी जाने वाली है। इस तरह का जब ये ऐलान होता है, जब किसान सड़कों पर निकलते हैं, ये उसी का प्रतीक है। और इसलिए साथियों, अभी सचिन जी कह रहे थे कि हम और राजा भाई हम लाठी के और इस तरीके से जो संघर्ष के साथी हैं, अभी पीछे कुछ दिन पहले चंडीगढ़ में भी हुआ, मैं तमाम हमारे साथियों का जिन्होंने पूरी ताकत के साथ ये जन विरोधी जो फैसले भारतीय जनता पार्टी के हैं, किसान विरोधी जो फैसले हैं, जो नौजवान विरोधी फैसले हैं, जो कर्मचारी विरोधी फैसले हैं, उनका जिस मजबूती के साथ आप लोगों ने संघर्ष और उसके सामने खड़ा होने का काम किया है, निश्चित तौर पर इतिहास याद करेगा कि हमने 2014 में एक गलत फैसला लिया था, भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी की सरकार बना करके जो फैसला लिया था। और आने वाले समय में आज से ही मैं समझता हूं कि जिस तरीके से लगातार पूरे हिंदुस्तान में, जिलों में, प्रदेशों में और बूथ, और मैं समझता हूं कि हर स्तर पर यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के साथियों ने संकल्प लेकर के किसानों की आवाज बुलंद करी है, निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, राहुल गांधी का है और सोनिया जी और राहुल जी के नेतृत्व में हम तमाम साथी संघर्ष करेंगे। और राजा जी, मैं तो कान का पर्दा फटवा के आया हूँ 9 तारीख को, तो आज भी आपके साथ चलेंगे, लाठी हो, गोली हो, जैसा भी हो, जेल चलेंगे और जेल के भी आगे ये सरकार जान ले जाना चाहेगी। ये तो काला पानी पहुंचाने अंग्रेजों का कानून जो बनाया था, जिसको लेकर के सोनिया जी और राहुल जी ने 10 साल संघर्ष किया, उसमें परिवर्तन किया, उचित मुआवजे की बात करी, पारदर्शिता की बात करी, पुनर्स्थापना की बात करी, पुनर्वास की बात करी, ये नाम हमने बदल दिया, भूमि अधिग्रहण जो कानून है वो किस तरीके से किसान मुखी हो, और उसमें सारे क्लोज मैं उसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहता, लेकिन अंत में यही कहते हुए कि ये आज पूंजीपतियों की सरकार नहीं है, ये महापूंजीपतियों की सरकार है, और इस महापूंजीपतियों की सरकार को उखाड़ने का काम हम सब लोग मिलकर के करेंगे, सोनिया जी के नेतृत्व में करेंगे, राहुल जी के नेतृत्व में करेंगे। और एक जो जमीन स्तर के हमारे साथी को राहुल जी ने, सोनिया जी ने जिम्मेदारी दी है, इनके हाथ को भी मजबूत करेंगे, और प्रदेशों से लेकर के हर तरह के मैं समझता हूँ कि जहाँ भी यूथ कांग्रेस चलेगी हम साथ चलेंगे। आप यूथ कांग्रेस के साथी आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी साथ है, जब कांग्रेस पार्टी साथ है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी साथ है, हमारा नेतृत्व यहां पर बैठा हुआ साथ है, फिर चिंता की क्या बात है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।